एक जगह शक्कर के ढेर लगा हुआ है, चीनी के दाने और साथ में कुछ डायमंड्स। चीटियां आते हैं और डायमंड की तरफ देखते भी नहीं है और चीनी को उठा ले जाते हैं क्योंकि उसे चीनी पसंद है। क्या उससे डायमंड की वैल्यू कम हो जाते है? क्या डायमंड को ये सोचना चाहिए वो किसी लायक नहीं है? क्या उससे शक्कर की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए? नहीं ना। सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। आपके घर में, ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यूज नहीं देते हैं जो आप डिजर्व करते हो और आपके जगह में किसी और को चुन लेते हैं। वो सम्मान देते हैं, वो इम्पोर्टेंट देते हैं। इससे क्या आप कहीं से थोड़ी ना कम हो जाते हो? कुछ चीटियां होते हैं जिसको डायमंड्स की वैल्यू कभी पता नहीं होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइड पिलर के कैलकुलेशन। बेसिकली ये जो आपका कैलकुलेशन होगा, इसमें हम दिखाएंगे आपको गाइड पिलर जो होती है कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम दो टाइप में कैलकुलेशन करेंगे। एक तो हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा चीज जो है हम इसको मैन्युअली करेंगे। मैन्युअली मतलब 15 से 20 सेकंड में आपको ऐसे तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से कभी भी आप गाइड पिलर बनाते हो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो 15 से 20 सेकंड में करोगे। अगर आपको कैलकुलेशन से करना है तो कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है कैसे वेट निकालते हैं, प्लेट की डेंसिटी कैसे डालोगे, कौन सा वाला मेटेरियल में यहाँ पे कौन सा डेंसिटी डालने वाला हो, कैसे डालूंगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे, इसकी वर्किंग स्ट्रोक कैसे होगा, उसको माइनस कैसे करोगे लेंथ से, की प्लेट मोल होगा, हम पिलर जो होते हैं ऊपर से डालते हैं, इसको क्यों डालते हैं, तो सारा चीजें यहाँ पे पता होने वाला है आपको। यंग मॉडुलस क्या होता है, डेल्टा मैक्स क्या होती है, सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। वेट कैसे निकालोगे, सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। और जो पिलर यूज करूंगा, तीन टाइप का पिलर यूज करता है, ठीक है, तीनों टाइप का पिलर कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन से टाइप है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, जिसको भी जॉब वैकेंसी वगैरह अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाकर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और जिसको भी जॉब वैकेंसी वगैरह का अपडेट करना है, मेरा यहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाओ, अबाउट अस में चले जाओ, के बाद यहाँ पे करियर में चले जाना, वहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वगैरह अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है मेरे वेबसाइट में जा लो, देख लो, सारा चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लासेस वगैरह चलते रहता है, अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग का क्लास होगा, आपको बैच में कराऊंगा, बहुत रिकॉर्डेड भी मिलेंगे आपको, लाइव में मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसी तरीके से क्लासेस चाहिए तो आप नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है, जो भी आप गाइड पिलर यूज करोगे, जो भी हम गाइड पिलर के कैलकुलेशन वगैरह यूज करेंगे यहाँ पे, तो जो गाइड पिलर मैं यूज करूंगा वो कौन सा टाइप का मैं गाइड पिलर यूज करूंगा। बेसिकली हम जो गाइड पिलर यूज करते हैं, तीन टाइप का गाइड पिलर आता है। एक आपका लीडर टाइप का आता है, एक आपका स्टैंडर्ड टाइप का आता है, और एक आता है स्पिगोटेड टाइप का आता है। तो मोस्ट ऑफ द केस हम कौन सा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वाला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है थ्री प्लेट मोल्ड है, ठीक है। तो थ्री प्लेट मोल्ड में हम गाइड पिलर कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे गाइड पिलर की कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब आज जो मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ वो कैलकुलेशन कैसे होंगे, आपने क्या कहीं देखे होंगे ना कहीं सुने होंगे, और लास्ट में मैं बिना कैलकुलेशन का एक ट्रिक्स दूंगा, जो बिना कैलकुलेशन का आप एक सेकंड में उसके गाइड पिलर का डायमीटर निकाल सकते हो, जो मैं आज ट्रिक्स देने वाला हूँ सबसे लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरा जो कैलकुलेशन है उसमें क्या क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख पाओगे यह मेरा गाइड पिलर है, ठीक है, उसका जो है क्या चाहिए, के चाहिए मेरे को, D2 चाहिए, D1 चाहिए और D चाहिए, ठीक है। L मेरे को निकालना है, L कैसे निकालूंगा मैं, L जो है मेरा मोल से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ निकालना है, तो लेंथ कैसे निकालूंगा पिलर के, जो पिलर का जो मेरा लेंथ होगा वो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है ओपनिंग कंडीशन में मोल्ड है, ओपनिंग कंडीशन में मोल्ड है। तो सबसे पहले मेरे को कितना ओपनिंग है मोल का मैं वो देखूंगा। मेरा यहाँ पे जैसे मोल की ओपनिंग देखता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे 65 का है, ठीक है, इतना 65 mm मेरा यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। और अगर मैं इस वाली ओपनिंग का देखूंगा, क्योंकि मेरा मोल ओपन कंडीशन में है, थ्री प्लेट मोल में आपको ओपन कंडीशन में दिखाना है, 125 है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डालता हूँ, कैलकुलेटर से निकालता हूँ, तो 125 प्लस 65 था, 125 प्लस 65 190 mm के आसपास आ रहा है। तो 195 mm मेरा यहाँ पे ओपनिंग हो रखा है मोल। अब मुझे इसकी जो पिलर है इसकी लेंथ निकालना है, तो पिलर का जो लेंथ होगा अप्रोक्सीमेटली मेरा जो मोल्ड होगा मैं ऊपर से लूंगा, क्योंकि गाइड पिलर क्या होता है थ्री प्लेट मोल्ड में ऊपर से बैठता है, ठीक है, क्यों बैठता है कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका भी जवाब मैं दे दूंगा। तो यहां से मैं यहां तक ले लूंगा, ठीक है, तो कितना है 460 के अराउंड हम इसको राउंड वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 460। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो मेरे कैलकुलेटर है यहां पे -460 कर दूंगा, ठीक है। तो कितना बैठ रहा है आपका, 270 बैठ रहा है। तो 270 mm का मुझे जरूरत नहीं है यहां पे, आराम से 250 mm तक मैं ले सकता हूं, ठीक है, ले सकता है। तो 270 mm भी ले सकते हो, 250 mm आपको सफिशियंट है, मैं यहां तक ले आओ, इस एरिया तक ले आओ।
ठीक है। तो यहां तक ले आऊं मैं, तो आप अगर देखोगे 260 mm के आसपास, मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पे जैसे 260 माइनस 190 mm, ठीक है, तो कितना होता है 460, सॉरी, ठीक है, यहां पे हम जो है इसको करेंगे 460 माइनस 190 mm, तो ये बनता है 270 mm, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो 270 mm जो है यहाँ पे यहां तक आएगा जो पिलर है, जैसे ये मोल क्लोज पोजीशन में होगा तो आपका यहां तक आएगा। मैं इसको थ्रू आउट करूंगा लेकिन यहां तक आने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा स्पेसर देख पा रहे हो रबल इजेक्शन मोल्ड है, तो स्पेसर जो है बहुत लंबा है, तो इसको हम कम करेंगे। अराउंड 250 mm सफिशियंट है कि 250 mm का पिलर लगा रहा हो, इतना बड़ा पिलर बनेगा तो आपको ज्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे गाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 250 mm का पिलर लूंगा, तो मेरे को जो यहाँ पे लेंथ है कितना मिल गया, 250 mm का मुझे लेंथ मिल गया। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका डी, डी मतलब आपका जो मेन डाया है उसका डी आएगा, फोर रूट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया आपका वेट ऑफ द मोल, एल हो गया आपका लेंथ, 64 ई हो गया आपका यंग मॉडुलस, ये पाई का वैल्यू है 3.14, ये मेरा डेल्टा मैक्स है, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, कुछ जो स्टील यूज होता है ना, स्टील का जो होता है वो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ डब्ल्यू जो होगा, एल क्या है, यंग मॉडुलस का जो वैल्यू होता है 2.11 × 10⁴, ये फिक्स रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, पता ही होगा आपने इंजीनियरिंग करा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा मैक्स है डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील है, ये कितना होता है 0.01 होता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे D1 D2, जैसे मेरा D1 कितना होगा, D2 कितना होगा, K कितना होगा, उसका भी मुझे लास्ट में निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए पहले, तो लेंथ मुझे निकाल लिया, लेंथ मेरा 250 mm का लेंथ है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, और बाकी मेरे को यहाँ पे W मुझे पता है, W निकालना है, बाकी मेरे को L जो है मुझे पता लग गया है, और बाकी सारा चीजें फिर यहाँ पे दे रखा है। तो मुझे अभी W निकालना है, W क्या है, वेट ऑफ द मोल, वेट ऑफ द मोल मैं कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ द मोल निकालने से पहले सारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सॉलिड बॉडी कर लेंगे, यहाँ से करने के बाद इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं ओवरऑल ले रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या करूंगा, मैं असाइन मेटल में जाऊंगा, जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आके स्टील ले लूंगा, ठीक है, स्टील लेके अप्लाई कर लूंगा, स्टील लेना है तभी इसकी प्रॉपर वेट आपको आ जाएगी, स्टील में यूज करते हो, या नहीं तो हर एक प्लेट का आप डेंसिटी डाल सकते हो, ठीक है। तो डेंसिटी डाल के भी आप स्टील की डेंसिटी डाल के भी उसकी वेट निकाल सकते हो। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके हम इसकी एनालिसिस में जाके इसकी हम मेजर बॉडी कर लेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ चीजें मिस कर दोगे तो सारा चीजें पता नहीं चलेगा। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर बॉडी में क्या करेंगे, सॉलिड बॉडी करेंगे, सॉलिड बॉडी करने के बाद सबको सिलेक्ट करेंगे, 53 पार्ट है, सारा पार्ट सिलेक्ट हो गया, कुछ प्लास्टिक का भी है, दो कंपोनेंट, हम इसको भी स्टील में ले रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास में जाऊंगा तो कितना आ रहा है 146, तो हम यहाँ पे जो है राउंड वैल्यू लेंगे, ठीक है, वन पॉइंटों में हम नहीं लेंगे, पॉइंटों में लोगे तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हार्डन रहेगा तो हम जो है इसका राउंड वैल्यू 150 किलो लेंगे, ठीक है, 150 केजी हम लेंगे इसकी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जिसको भी अगर कुछ क्वारीज वगैरह है, यहाँ पे मेरा मेंशन है, अब मेरा यहाँ पे वेबसाइट है, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जाके आप सारा चीजें चेक कर सकते हो, क्या क्या चीजें मैं कराता हूँ, तो यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, और मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी जाके आपको बहुत सारा चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात होता है यहाँ पे जो मैं पिलर बनाऊंगा, अब उसकी कैलकुलेशन निकालना है। तो कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, तो मेरे को यहाँ पे डब्ल्यू कितना है 150 मिल गया, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया है कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है मेरा डब्ल्यू जो है यहाँ पे, डब्ल्यू कितना है, वेट कितना है, 147 है, 146 पॉइंट समथिंग है, हमने 147 ले लिया, आपने 150 लेना है तो राउंड फिगर करके थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा ही लेना होता है, तो 147 ले लिया हमने। पिलर का लेंथ कितना है, एल 250, 250 mm का लेंथ है, कहाँ से मिला, जैसे मैंने आपको 460 माइनस 190 करा था, तो इसमें हमको 250 mm का हमने ले लिया लेंथ, राइट, पिलर का टोटल लेंथ जो है 250 mm ले लिया, टोटल लेंथ बोले तो ये लेंथ जो है हम 250 mm ले लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने 250 mm ले लिया, ठीक है। 64 ये आपका फॉर्मूला में आता है, ई 3 × ई का वैल्यू क्या होता है, जो यंग मॉडुलस है 2.1 × 10⁴, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, डेल्टा का वैल्यू क्या है, डेल्टा मैक्स जो डिफ्लेक्शन ऑफ पिलर है तो आपका 0.01 है, होल रूट ऑफ देना है आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद जो इसकी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने में कुछ वैल्यू आपका निकल के आता है, ठीक है, मैं एक बार कुछ आपको एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ, तो ये वैल्यू निकल के आता है, इसको कैलकुलेशन करके सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, अगर आपको ये 250 क्यूब का करना है तो आप क्या करोगे, 250 यहाँ पे आपको क्यूब का सिंबल मिल जाएगा जैसे ये वाला है, × 3 कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 250 × 64 × क्या है आपका 147,
तो कितना मिल गया 147 लाइक, जो ये वैल्यू होगा ये मैंने आप यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है वह ये मेरे को कैसे मिला, थ्री, देखो सबसे पहले हम जो क्यूब वाला है वो डाल देंगे, ठीक है, 10 टू दी पावर 4 है, यहाँ पे 4 का वैल्यू डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं पहले से करना चाहता हूँ, 10 टू दी पावर ये जो है आपका 4 है, 4, ठीक है, कर दिया, 10,000 बन गया, इंटू थ्री कर दिया, इंटू 2.1 कर दिया, यहाँ तक कर दिया, इंटू 3.14 पाई का वैल्यू डाल दिया, डाल दिया इंटू 0.01, तो कितना वैल्यू बन गया ये आपका 1978.2 यहां से मुझे मिल गया है, ठीक है। मैं करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, करके भी दिखा रहा हूँ। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जो मेरा रूट है उसके अंदर जो है एक कुछ वैल्यू जो बन के आता है, ये बन के आता है आपका, ठीक है, 7.43099 78.76 ये वैल्यू आपका बन के आता है, ठीक है। ये पॉइंटों में नहीं लेना था, मैंने गलती कर दिया है, तो इसको हम जो नेहा से एक बार ले लेते हैं, 7.43 7.43 09 09 9 7 8.76 इतना आएगा। अब इसको ये जो ब्रैकेट है इसको हटाना है, ठीक है, इसको हटाना है किससे, रूट ऑफ 4 से। इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सारे से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सारे से मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन क्या है, आप इसको दो बार ऐसे कर दोगे तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा 92। दो बार क्यों करना है, रूट ऑफ 4 आ रहा है। अगर इसको ऐसे नहीं करोगे, मैं चाहता हूँ इसको आप ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, तो इसको अलग तरीके से करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेना, एकदम सरीका ऐसे नहीं, गलती लगता है ना, तो गूगल में कर दो आप सीधा। यहाँ पे जाएंगे हम, जाने के बाद यहाँ पे देखो 4 रूट कैलकुलेटर आता है, यहाँ पे सीधा जाके यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू को पुट कर देना है, देने के बाद कैलकुलेट कर दो। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे मेरा नेट कनेक्शन ऑफ है, इसको मैं फिलहाल के लिए ऑन कर देता हूँ। तो इसको आप जैसे कैलकुलेट करते हो ना, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको सीधा जो है वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे कितना बन के आ रहा है, 92.84। कहाँ से मेरे मिला, यहाँ पे कितना मेरा बन रहा था, कितना बन रहा था, 92.84, यहाँ पे कितना बन गया मेरा, 92.84। अब पता लग गया ना कैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन करा, पूरा वीडियो में मैं कैलकुलेशन करके दिखाया हूँ, ठीक है। अब मेरा 92.484 ये तो बहुत बड़ा डायमीटर बन जाएगा भाई, इतना अब तो ये बहुत बड़ा डायमीटर है। एक्चुअली आपने क्या वेट निकाला, आपने वेट निकाला है पूरी मोल का, तो पूरी मोल का वेट लगाओगे तो इसमें कितना पिलर लगाओगे, मैं 4 पिलर लगाऊंगा ना, तो इसको मैं डिवाइड बाई 4 करूंगा, मैं इसको डिवाइड बाई 4 करूंगा। क्यों डिवाइड बाई 4 करूंगा, क्योंकि मेरे पूरा मोल की वेट निकाल रखा है, तो इसको डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो ये पड़ता है 23.21। अब 23.21 एक डायमीटर हो गया। अब उसके साथ मुझे कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 8-10% आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालना होता है। तो जब मैं अगर 10% मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालता हूँ तो मेरा कुछ mm ऐड होता है, 2.32 mm मुझे ऐड करना पड़ेगा इसकी डायमीटर के साथ, तो ये कितना बनता है, 25 point something बनता है। तो हम यहाँ पे 26 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है, अगर मैं ये वाली मोल में मैं अगर गाइड पिलर से बनाता हूँ तो मुझे कितना बनाना पड़ेगा, 26 mm का बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये हो गया कैलकुलेशन। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताया था, अभी जो मैं मोल बनाने वाला हूँ उसको बिना कैलकुलेशन की गाइड पिलर बनाऊंगा। ये जो तरीका है, क्योंकि इस तरीके से मैं यूज करता हूँ, आपको कभी भी ये चीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी टाइप का आप गाइड पिलर लगाने वाले हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन, इसका तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इसको मैं साइड में फेंक देता हूँ, ठीक है। अब बिना कैलकुलेशन का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, आपको एक मिनट में जो है, एक मिनट भी नहीं रहेगा, 20 सेकंड में आप केस सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसकी स्टॉक साइज लेना है। स्टॉक साइज किसका लोगे, टॉप प्लेट या बॉटम प्लेट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉप प्लेट का स्टॉक साइज ले लिया, टॉप प्लेट का मेरा स्टॉक साइज कितना आ रहा है, 280 250 आ रहे। तो मैं कैलकुलेटर में जाऊंगा, कैलकुलेटर जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 280 प्लस एक्स और वाई दोनों को मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, प्लस कर दिया। अब दोनों को प्लस करने के बाद मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ गए, 265। अब 265 का मैं 10% लूंगा, 265 का 10% मतलब कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा 265 का 10%, 26.5 आ जाएगा, 26.5। अब 26.5 किसका हो गया आपका, गाइड पिलर का हो गया। अब आपके मैंने आपको क्या बताया था,
0.5 में आ गए तो पॉइंट तो में हम लेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो रीमार यूज करूंगा या 26 का यूज करूंगा या मैं 28 का यूज करूंगा। मार्केट में आपको 28 का रीमार मिलेंगे, तो यहाँ पे हम 28 का जो है पिलर यूज करेंगे। तो अब देखो कैलकुलेशन से कितना आ गया आपका, 26 आ गया था, तो आप ग्राउंड फिगर लेके जैसे मैंने आपको बताया तरीका कितना आ गया, 26.5 आ गया, 0.5 का डिफरेंस आ गई। इस तरीके से बनाओगे आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये था तरीका। इस तरीके से कभी भी आप व्हाइट पिलर बनाओगे कोई चीज जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मैं क्लासेस में सिखाता हूँ, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है नीचे नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके से ऑफर वगैरह चलते रहता है, जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।